Hello? Wow! Oh! Okay. No!
सुंदर बारबी पुलिसकर्मी ने अभी अभी अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। तब केन ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए फोन किया है। बारबी खुश है, जल्दी से घर लौटती है और डेट की तैयारी कर रही है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बारबी नहाने और टब में आराम करने के लिए मगन हो गई है। अलमारी में घूमते हुए वह अपने लिए एक खूबसूरत सफेद पोशाक चुनती है, जिसमें एक जोड़ी सफेद जूते और बैग भी है। अब बस चलो थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएंगे और थोड़ा ब्लश भी जोड़ेंगे और अब बारबी उज्जवल डेट पर जाने के लिए तैयार है। बारबी चल रही है तो उसने बैंक डकौती की खबर सुनी है। डाकू के पास एक बंदूक है और हर कोई उसकी गोलियों पर घबरा रहा है। बारबी डाकू को पकड़ना निर्धारित करती है। उसने जल्दी से अपना जूता डाकू पर फेंका, जिससे वह गिर गया। उसी क्षण वह पहुंचती है, बंदूक को धक्का मार देती है। और जल्दी से उसे हथकड़ी लगा देती है। बारबी तो सच में बहादुर है। बारबी की लापरवाही का फायदा उठाते हुए दूसरा लुटेरा उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन सौभाग्य से निकी समय पर आ गई है और पूरी तरह से डाकू को मार देती है। लुटेरों के साथ लड़ाई के बाद बारबी की पोशाक दुर्भाग्य से गंदी हो गई है। लेकिन चिंता ना करें, निकी बारबी की मदद करेगी। बारबी स्कर्ट के शरीर पर फैल रही अपनी सुंदर राजकुमारी पोशाक में बहुत सुंदर होगी। गर्म पीले रंग चमकदार सोने की धूल के साथ संयुक्त पोशाक को और भी उत्कृष्ट बना देगा। ये पीले गुलाब युवा और आकर्षक से बनाई गई है। ये एक बहुत ही खास पोशाक होगी। संकलन होने के बाद पोशाक एक विशाल पीले गुलाब की तरह चमक जाएगी। एक ही रंग के हार, बिल्कुल सही। जूते के साथ संयुक्त और परिपूर्ण देखा पैदा करेगा, खासकर जब वे स्पार्कलिंग सोने की धूल और पत्थरों से जड़ी होंगी। एक मजबूत पुलिस वाली से बारबी एक सुंदर और सुंदर गुलाब राजकुमारी में बदल जाएगी। अब तो केन भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाएगा। उम्मीद है तुम दोनों एक स्वादिष्ट और रोमांटिक डिनर करोगे।